धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है। ये तीर्थंकरों की महान परंपरा है। ये मनुष्य के जीवन के परिवर्तन का संदेश देता है। युगीन परिवर्तनों के लिए यह हमेशा साक्षी रहता है। जो भी अपने जीवन में गलत होता है उसे बुहारने का काम जैन धर्म करता है। हर काल में, हर युग में इसने मानव जाति को जगाने का प्रयास किया है। जैन धर्म के अनुसार एक कालखंड में 24 तीर्थंकर भगवंत होते हैं, वे ही भगवान कहे जाते हैं। अरिहंत तीर्थंकर बन जाने के बाद में वे पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लोक जागरण के लिए, लोगों को ज्ञान दर्शन चरित्र से परिपूरित करने के लिए प्रवचन देते हैं, हजारों लाखों आत्माओं का वो कल्याण करते हैं। अपना आयुष्य पूरा हो जाने के बाद में वो मोक्ष में चले जाते हैं। वे ही जैन धर्म के भगवान कहे जाते हैं, उन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है। जब नमो अरिहंतानम करके मंत्र जाप बोलते हैं तो वो तीर्थंकरों को वंदना हो जाती है। भूतकाल में ऐसे अनेक चौबीसियां हो गई, भविष्य में भी इस प्रकार अनेक तीर्थंकर भगवंत होंगे। वर्तमान काल में आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी भगवान आखिरी तीर्थंकर थे। अभी जो जैन धर्म की परंपरा चल रही है वो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा है। 17,000 से अधिक उनके साधु साध्वी हैं, कई महान उनके सिद्धांत हैं। आज भी वे सिद्धांत कालजयी हैं। दुनिया बदल चुकी है लेकिन महावीर भगवान के सिद्धांत नहीं बदले हैं। 2500 साल पहले भगवान महावीर ने जो कहा था वे बातें आज भी उपयोगी हैं, प्रासंगिक हैं, जीवंत हैं, कालजयी हैं। वे लोगों को आज भी प्रेरणा देती है। और महावीर के वे 17,000 साधु जो पंच महाव्रतधारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, कंचन कामिनी के परित्यागी हैं, केश लुंचन कराते हैं, पदयात्रा करते हैं, गांव गांव जाते हैं, मांग करके अपने लिए पेट भरने के लिए आहार लाते हैं, सुंदर साधना करते हैं और लोगों को महावीर की बातें बताने का और लोगों के जीवन को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार भगवान महावीर की ये समग्र परंपरा का सुंदर अवदान है। कई इसके सिद्धांत हैं। आने वाले वीडियो में, आने वाले प्रवचनों में उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अरिहंत के स्वरूप को समझें, जैन साधुओं की जीवनचर्या को समझें, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के सिद्धांतों को समझें तो धर्म के प्रति, जीवन के प्रति, परलोक के प्रति हमारी रुचि और हमारे जो भी अज्ञान है वे दूर होंगे, रुचि प्रकट होगी। मैं सोचता हूँ लोग इन बातों को सुनकर के समझें, सीखें, आगे बढ़ें, अपना अज्ञान दूर करें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल कामना। आज इतना ही। ओके।